हमारे चैनल तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो साल का आखिरी दिन है और इस साल का आखिरी व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। तो आज बनाया, अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हो गया था। नाश्ते में मैंने चाट बनाया था, तो थोड़ा सा भी बचा हुआ है जो कि अगर आयु को खाना होगा तो वो खाएगा। तो ये है, और खाने में बना रही हूँ मशरूम मटर। तो उसके लिए मैं मशरूम को भी काट के पानी में डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा एक बार बॉईल हो जाएगा ना, तो फिर इसको अच्छे से मतलब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, या फिर सूखा बनाना होगा तो सूखा बनाएंगे। मटर मैंने छील के रख लिया है, इसको पहले मैं काट के अच्छे से इसको मतलब बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक बने रहिए वीडियो। किस किस ने वसु के बर्थडे वाला व्लॉग देखा है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, लेकिन शेयर करना था आपके साथ तो शेयर किया है। जी खेल रहे हैं और हस्बैंड जी ड्यूटी, तब तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ। अभी तुरंत नाश्ता हुआ ही है, टाइम हो रहा है 10:30, तो खाने में भी टाइम है। फिर भी झाड़ू पोछा हो गया मेरा, बर्तन धुलने बाकी है, क्योंकि बर्तन मैंने रात में कल नहीं धुले थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो रात का बर्तन धुला हुआ नहीं है, तो उसको धुलना है। पहले ये बॉयल हो जाए, फिर आगे का काम करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने सारे काट दिया है, इसको अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फिर करेंगे। बर्तन में जो धुलना है, बर्तन सारा रखा हुआ है, वो धुलूँगी मैं अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रात में, नहीं तो मैं रात में ही धुल लेती हूँ। और जो सुबह का फिर नाश्ते का रहता है वो अभी धुलता है। और बेड वगैरह में है, मतलब बेड वगैरह सारा क्लीन है। यहाँ पे आयु खा रहा था, अभी नाश्ता कर रहा था, तो यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ लगा के ये खा रहा था, क्योंकि जैसे आपको पता है घर में उतनी जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे बस बेड लगा हुआ है। तो ये है, और कल के कपड़े जो धुले थे कल, क्योंकि सर्दियों का समय में ना डेली एक दिन बीच करके कपड़े हो ही जा रहे हैं, तो नई नई करके कपड़े निकल ही जाते हैं बहुत सारे। तो ये कपड़े धुले हुए हैं जिसको मुझे तह लगाना है, इतने सारे कपड़े हैं। और वैसे ये बेड भी अभी क्लीन ही है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ बुक वगैरह भी रखा हुआ है। और वैसे भी इस रूम में ज़्यादा कोई आता नहीं है, ज़्यादातर हम लोग इसी वाले रूम में रहते हैं। तो ये है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक बने रही वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर, 2023 आ चुका है, देखते देखते 2022 भी चला गया और 2023 की मतलब 23 का आगमन हो चुका है। तो आप सभी के लिए साल बहुत शुभ हो, आपकी जितनी भी इच्छाएं हो वो पूरी हो इस साल, और सबके लिए ये साल बहुत शुभ हो। और जाता साल तो मेरे लिए कुछ खास नहीं था, आपको पता ही है क्यों। तो कोई नहीं, नया साल है तो अब नए साल में सारा कुछ अच्छा अच्छा हो, बस ऐसी मतलब दुआ करती हूँ मैं। और आप सभी की लाइफ में भी बहुत अच्छे से सारा कुछ बीते। और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, हस्बैंड जी गए हुए हैं मार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए, और आज कहीं प्रोग्राम नहीं है जाने का क्योंकि इनका ड्यूटी है, क्योंकि ड्यूटी वाले लोग का तो यही, अगर आज रेस्ट हो जाता तो कहीं जाते, लेकिन रेस्ट तो है नहीं, तो घर पे ही हम लोग रहेंगे, ये ड्यूटी चले जाएंगे। अगली बार मतलब जब ड्यूटी से आएंगे तो रेस्ट लगेगा इनका, तो फिर हम लोग कहीं जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हो न्यू ईयर में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग क्या क्या कर रहे हो न्यू ईयर के लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए क्या प्लानिंग है, क्या सेलिब्रेशन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और क्या क्या आप लोग डिशेस बना रहे हो खाने के लिए, वो भी शेयर कीजिएगा। हम लोग तो आज कुछ खास नहीं बनाएंगे, पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे और कुछ मीठा हो जाएगा, बन जाएगा, तो ऐसा कुछ। और बस बच्चे आ जाते हैं, बच्चे भी गए हैं साथ में पापा के, तो लोग सब कोई आ जाते हैं, फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सारा काम हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है। अब क्योंकि आज थोड़ी ठंड है यहाँ, तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, नहाऊँगी थोड़ी देर में, और उसके बाद फिर खाना वाना का देखते हैं। तब तक बने रहिए वीडियो में।
सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि हम लोग मतलब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी में हैं। और अभी सुबह से मैं अभी वीडियो स्टार्ट किया है मैंने वापस से, अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि काम आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, कपड़े वगैरह भी धुलने थे तो इस वजह से। और आज खाने में बनाया था मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी, और हस्बैंड जी को आज मन था ब्रोकली की सब्ज़ी खाने की तो वो भी बनाई थी, और बूंदी का रायता, पूड़ी और खीर, बस इतना कुछ ही बनाया था। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि 2023 आ चुका है, आप सभी के लिए ये साल बहुत अच्छे से गुजरे और हर दिन आप लोग बहुत खुश रहें, बस ऐसा दुआ करती हूँ मैं। और 2022 जाते आते बहुत कुछ सिखा के गया, मतलब मैं अपनी पर्सनल जो भी है वो बता रही हूँ, बहुत कुछ सिखा के गया कि हर साल एक लेसन दे के जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और इस साल पहले की तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन इस साल मुझे भी लेसन मिला है बहुत अच्छा कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन लोगों से अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, किन लोगों से अपनी बातें हैं वो शेयर करनी चाहिए, और किन लोगों के साथ अपना रिलेशन मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं 2022 ने, तो इसको याद रखते हुए, इसको समझते हुए 2023 में वो गलतियां नहीं करनी हैं जो कि 2022 में हो चुकी हैं। और 2023 में बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को संभालना है, अच्छे से 2023 बिताए, मतलब अच्छा बीते, फिर हम लोग 2024 का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसा है, और जाते जाते 2022 दुख भी थोड़ा देके गया है क्योंकि हमारी कोको हमारे साथ नहीं है, तो नए साल में ये सब बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो यादें हैं वो तो यादें रहेंगी ही, ऑल टाइम रहेंगी ही, लेकिन फिर भी नया साल है तो ये सब बातें नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे भी होगी कोको भी हमारी, तो मैं दुआ करती हूँ कि वो बहुत अच्छे से उसको मतलब ये ना, मैं उसके बारे में फिर बोलती हूँ तो इसलिए इस मेरे मन में जो है उसके लिए वो मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है, तो खैर उसके लिए तो जो है सो है। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि बहुत सारे रिश्ते आपको ना, कहने वालों ने सही कहा है कि समय आने पे लोग आपके आपके मतलब सराउंडिंग में कैसे लोग हैं आपके साथ वो धीरे धीरे पता चलती है, एग्जैक्टली वो हैं क्या, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो मेरा क्या है ना कि मैं बहुत सी चीज़ें मेरे साथ होती हैं तो मैं वो अपने अंदर रखती नहीं हूँ, मतलब हाँ थोड़ा देर के लिए मुझे तकलीफ़ होती है, गुस्सा आता है, मैं थोड़ा सा रो लेती हूँ, थोड़ा सा मन भारी हो जाता है, लेकिन वही दूसरे पल मैं सारा कुछ भूल के अगर वो सामने वाला पर्सन मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल 1% भी मैं उसके लिए मन में अपना कुछ नहीं रखती। और ये मेरी आज से नहीं, शुरू से ये मेरी नेचर है। दैट्स वाई मेरे से जितने भी रिलेटेड, मेरे से जो भी रिलेटेड हैं, जो भी रिलेशन है मेरी सबके साथ बहुत अच्छी है। और यही जस्ट मेरे जैसा नेचर मेरे हस्बैंड का है, उनको गुस्सा आता है वो बोल देते हैं और जस्ट 10 मिनट के बाद उनका बिल्कुल नॉर्मल सारा कुछ हो जाता है कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। तो मेरा मानना है ऐसा ही मन अपना रखना चाहिए हर किसी को कि जो बातें आपके मन को मतलब खटक रही है वो आप बोल दो, 2 मिनट के लिए ख़राब लगेगा सामने वाले को लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा, और एट द एंड आप भी फिर उस बात को अपने मन में मत रखो क्योंकि रिश्ते जो है ना बहुत मुश्किल से मतलब मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उसको बहुत अच्छे से रखना चाहिए, समेट के रखना चाहिए। सबके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको साइड में करके, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कल को क्या हो जाए, किसको आज मैं बात कर रही हूँ कल ना रहूँ, तो कुछ पता नहीं रहता कि कल को किसको क्या हो जाए। तो इसलिए अगर आज के समय में आपके पास 10 फैमिली है ना, फैमिली मेम्बर्स है ना, तो आप खुद को स्ट्रांग समझोगे कि ये कुछ भी होगा घर में, मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग लड़ लेंगे क्योंकि हमारे पास फैमिली है, सब कोई है। लेकिन यही अगर आप अकेले रहोगे तो आपको वो चीज़ खलेगी। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि फैमिली एक ऐसी मतलब
मजबूत, क्या उसको कहेंगे कि मजबूत, मतलब फैमिली एक वर्ड ही बहुत मजबूत है, कि अगर आपके पास फैमिली है ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी अगर आपके साथ कैसी भी ट्रेजिडी हो रही है या फिर हो चुकी है, तो आप उसको अच्छे से हील कर सकते हो, हील कर लोगे फैमिली के साथ। तो मेरा तो मानना यही है। बहुत लोगों को ये एक फिलॉसफी लगेगी, बहुत लोगों को ये मतलब भाषण लगेगा कि भाई भाषण दे रही हैं, लेकिन मेरे मन में मुझे लगा कि आज 1 जनवरी है, तो मैं अपनी मन की बातें आपसे शेयर करूं। तो मेरे मन में यही है। और मेरे हस्बैंड का भी नेचर बिल्कुल मेरे ही तरह है, क्योंकि उनको भी फैमिली के साथ रहना, फैमिली मतलब बिल्कुल आसपास मतलब लोग रहें, बस ऐसा उनका है कि आसपास लोग रहें और हम लोग साथ में रहें, फैमिली के साथ रहें, तो ऐसा है। तो यही है न्यू ईयर हमारा, तो सेलिब्रेशन बस वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन ये आएंगे तो अगर रेस्ट हो जाता है तो हम लोग फिर जाएंगे कहीं घूमने, तो आपके साथ शेयर करेंगे। और तो बस आप लोगों ने क्या क्या किया न्यू ईयर में वो शेयर कीजिएगा। और आज का व्लॉग कुछ खास नहीं था, व्लॉग नहीं है, बस ये मेरे मन की जो बातें थी, जो कि मुझे बतानी थी आप सभी से, वो मैं शेयर कर रही हूँ। और तो बस अब 9 तारीख को, 9 को तो नहीं, 20 को फिर से जसीडी जाना है। 21 को आयु का वहाँ फिर दूसरे स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट है, तो वहाँ दिलवाना है। उसके बाद फिर एडमिशन वगैरह का देखते हैं कब हो पाता है। और मार्च अप्रैल सेशन होता है स्कूल DAV का, जो है वो हर जगह अप्रैल सेशन होता है, तो देखते हैं कब तक हम लोग शिफ्ट होते हैं जसीडी में, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे ही। और नए साल में फिर से शिफ्टिंग, बड़ा हेडेक होता है शिफ्टिंग का, तो कोई नहीं, फैमिली है ना, फैमिली के साथ सारा कुछ आसान हो जाता है। तो एट द एंड फैमिली साथ है तो आप हमेशा खुश रहोगे और किसी भी मुश्किल से आराम से आप लड़ सकते हो। इसीलिए छोटी मोटी बातें जो होती हैं घर में, उसको एक दरकिनारे करके और अपनी लाइफ में अपने फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए, और कुछ बातें सुन के, कुछ बातें बोल के फैमिली में रहना चाहिए, तो ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा सोचना कैसा है, गलत है या सही है, तो वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बनी रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।